गाइस, कैसे हैं आप? आज हम आए हैं रामगंज मंडी, हाड़ौत, राजस्थान के हाड़ौत क्षेत्र की रामगंज मंडी। और रामगंज मंडी है धनिए के लिए फेमस। रामगंज मंडी का जो धनिया है वो बहुत महंगा खरीदा जाता है, खरीदा बेचा जाता है। और इसके भाव हम जब मालवा क्षेत्र में अखबारों में देखते हैं, चकित होते हैं कि इतना महंगा धनिया यहाँ रामगंज मंडी में जा रहा है। क्योंकि रामगंज मंडी में मालवा क्षेत्र के भी जो किसान लोग हैं वो यहाँ आते हैं धनिया लेकर के। यहाँ के व्यापारी बहुत अच्छे पारखी लोग हैं और बहुत ही परख के साथ में धनिया को खरीदते हैं। आज हम यहाँ व्यापारियों से भी जानकारी लेंगे किस भाव यहाँ का यह नया धनिया चल रहा है और किस तरह से यहाँ बोली लगाई जाती है, कहाँ कहाँ के किसान लोग यहाँ का धनिया लेके आते हैं। तो मालवा क्षेत्र के हमारे किसान लोग जो सोयाबीन के लिए जाने जाते हैं और सोयाबीन को नीमच, रतलाम, इंदौर, मंदसौर की जो मंडियों में आप लोग बेचते हो, यहाँ आ जाएं अपना धनिया लेकर के। किसान लोग आते हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। और यहाँ हम देख रहे हैं धनियों का ढेर लगा है, तरह तरह की क्वालिटी धनिए की यहाँ दिखाई दे रही है। कुछ व्यापारी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कुछ लोग और जुड़ जाएंगे। और लगातार यहाँ काम चल रहा है, शायद सुबह 8 बजे से ये शुरू हो जाती है जो शाम तक चलती है। तो रामगंज मंडी धनिया के लिए भी फेमस है और दूसरा यहाँ पत्थर के लिए भी फेमस है। जो आपको चिकना पत्थर घरों में लगाने के लिए मिलता है, पॉलिश पत्थर जिसको बोलते हैं, वो रामगंज मंडी का ही पत्थर होता है, कोटा स्टोन जिसको बोला जाता है। तो धनिया को लेकर के आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। तो साथियों, पहले मैं पूरी मंडी में आपको घुमा देता हूँ, फिर मैं कुछ व्यापारियों से बात करता हूँ। चलते हैं मंडी के अंतिम छोर। शानदार क्वालिटी का धनिया मैं आपको बता रहा हूँ। और ये हमारे साथ में किसान भाई है, क्या नाम है आपका? नितेश मीणा हमारे साथ में है और ये पर्ची इनकी मेरे पास में है। तो ये बता रहे हैं कि सबसे महंगा ये धनिया गया है। क्या भाव गया भैया धनिया? 12,800 रुपये क्विंटल में यह धनिया गया है। और ये पर्ची मेरे पास में कृष्णा ट्रेडर्स की, तो यहाँ पता चला है कि जो बहुत अच्छी क्वालिटी होती है धनिया की। और तीन बोरी माल लेके आए थे आप? 63 बोरी यहाँ धनिया आया था इस मंडी में एक ही किसान का। और जो लगभग क्या भाव भी 12,800 रुपये। तो मालवा क्षेत्र के किसानों में आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि जब भी अपने धनिया की उपज आपको लेकर के आना है रामगंज मंडी की मंडी में लेकर के आए, यहाँ भानपुरा क्षेत्र के, गरोड़ क्षेत्र के और यहाँ तक कि नीमच क्षेत्र के भी लोग यहाँ तक आ जाते हैं। तो यह धनिया बहुत अच्छे भाव में मिल रहा है। खुश तो हो इस उपज की, तो आपको जो भाव मिला है एक नंबर इनको भाव मिला है। तो चलते हैं और किसानों से बात करते हैं, व्यापारियों से बात करते हैं। तो मैं यही आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग रामगंज धनिया की क्वालिटी, इस तरह की क्वालिटी का धनिया यहाँ रामगंज मंडी में आता है। और हम जानकारी लेंगे कि यह धनिया किस भाव गया है। तो गाइस, ये हमारे साथ रामगंज मंडी के व्यापारी हैं, क्या नाम है आपका? कमल जी गुप्ता हमारे साथ खड़े हैं। और ये धनिया आपने ही खरीदा है? बेचा है हमने तो। ये आपने बेचा? क्या भाव बिका है? 11,000 रुपए क्विंटल का धनिया है, एकदम ग्रीन कलर, एकदम ग्रीन है। अच्छा, इसमें कोई मिलावट तो नहीं है ना? नहीं नहीं, किसानी माल है, पूरा किसानी माल है। ये कहाँ का माल था? ये मचलपुर बेल्ट का माल है। मचलपुर बेल्ट का माल है। कहाँ कहाँ के किसान आपके यहाँ आते हैं? आसपास का 150-200 किलोमीटर के किसान आते हैं। 150-200 किलोमीटर के जो किसान राजगढ़ ब्यावरा से धनिया की उपज देखकर राजगढ़ ब्यावरा डिस्ट्रिक्ट, नीमच डिस्ट्रिक्ट, कोटा, बूंदी, बारा है ना, झालावाड़। तो और आप मालवा के हमारे किसानों को क्या कहना चाहेंगे धनियों को लेकर?
यहाँ तो क्वालिटी बिकती है, माल बिकता है, जैसा माल होगा वैसा पैसा मिलता है। इस साल पानी से डैमेज बहुत हुआ, इसलिए क्वालिटी वाला माल के भाव टेरिटरीज के हिसाब से 1000-2000 से ज्यादा ही है। तो देखिए किसान, यहाँ जो बात की जा रही, पहली बात है क्वालिटी का पैसा यहाँ मिलता है, दूसरा है कि इस वर्ष जो बीच में जो बारिश हो गई थी उस बारिश की वजह से धनिया बहुत डैमेज हुआ, लेकिन फिर भी भाव अच्छा मिल रहा है किसानों को। किसान यहाँ आके निराश तो नहीं होते ना? कलरदार मालों में तो खुशी है, और जो पानी में डैमेज हुआ उसमें तो निराश होकर जाता है। फिर भी उनकी अपेक्षा जो रहती है आपसे व्यापारियों से कि आपको आप उन्हें ठीक भाव देंगे? बढ़िया पैसा मिलता है रंगदार माल में, यहाँ सारे इंडिया के फेमस IS मास्का वाले सारे मसाला वाले पसंद यहीं की रहती है सबकी। अच्छा, दिन भर में कितना माल यहाँ कट जाता हो? 25-30 हजार भी रोज बिकता है। 25-30 हजार तो साथियों, इतनी बड़ी मंडी है, और हमारे साथ कुछ किसान, आप किसान है? हाँ, ये धनिया इनका है। हाँ। बहुत अच्छा माल है आपका, और आपको क्या भाव मिला इसका? 11,000 ऊपर जी ऊपर। हाँ, ये 11,000 ऊपर ही कुछ इनका। कितनी बोरी लाए थे आप? 17 बोरी। हर साल जलावर डिस्ट्रिक्ट के, जलावर डिस्ट्रिक्ट के हो, हर साल आते हो? हर साल आते हो। अच्छा पैसा मिलता है यहाँ पे। अच्छा, इस मंडी की और कुछ विशेषता देखिए आपने की खास, जो आप इसको कोटा भी ले जा सकते थे, झलावड़ में भी बेच सकते थे, यहीं क्यों लाए? नहीं, याद नहीं है, भाव अच्छा था, यहाँ भाव अच्छा मिलता है, और व्यापारियों की ईमानदारी है ना, और व्यापारी बहुत है ताकि वो आपको भाव जो है अच्छा मिले, ठीक है ना, यही बात है ना। तो आप धनिया की उपज करते हैं और भी कुछ उपज करते हैं? सभी करते हैं, गाँव में यहाँ चढ़े और सब कोटा मंडी जाते हैं। ठीक, तो बहुत अच्छा धनिया लेकर के आए थे ये किसान, मैं बिल्कुल नजदीक से आपको बता रहा हूँ, बहुत ही ग्रीन का धनिया है, सारी खरीदी यहाँ मसालों के नाम पर खरीदी यहाँ ज्यादातर, बड़ी बड़ी कंपनियों के से रामदेव मसाला वाले, एवरेस्ट मसाला, MBS मसाला, राजेश मसाला। तो साथियों देखिए, एक बहुत अच्छी बात है, अच्छी क्वालिटी का माल होता है वह रामदेव मसाला अहमदाबाद जो है वो MBS है या और भी जो मसाले हैं एवरेस्ट है ना, तो ये इस तरह का जो है यहाँ खरीदी बिक्री होती है। चलते हैं, देखिए मौसम बहुत बिगड़ रहा है, थोड़ा मौसम की तरफ, पूरी तरह से मौसम बिगड़ चुका है साथियों, किसानों का ये माल जो है हो सकता है बहुत, लेकिन यहाँ व्यवस्था पूरी है, 14 शेड लगा है, देखिए ऊपर आप 3 शेड पूरा लगा है, और मौसम पूरी तरह से बिगड़ चुका है। चलते हैं आगे, घूम रहे हैं रामगंज मंडी की इस धनिया मंडी में, और मौसम पूरी तरह से अपना रुख बदल चुका है। देखिए धनिया की उपज यहाँ ऊंट गाड़ी पर लाद करके लाई जाती है, और अभी बताया गया है हमारे व्यापारियों की तरफ से कि लगभग 20-30 हजार बोरी प्रतिदिन यहाँ माल की तुलाई होती है, और यह सारा माल जो बड़ी बड़ी जो मसाला फैक्ट्रिया है, जिसमें रामदेव जी महाराज की जो फैक्ट्री है या MBS है या एवरेस्ट है, ये सारे जो लोग हैं वो यहीं से धनिया खरीदते। बहुत सारे किसान हमारे आसपास, कहाँ से आए हो आप? नया गांव पीतमपुरा से। कितना माल लेके आए? 40 कट्टे। 40 कट्टे, कैसा भाव रहा आपका? भाव को काला पड़ गए कमी रहा। हाँ, एक बहुत बड़ी विडंबना है इस वर्ष ये हुई है साथियों की, बीच में बरसात के अलावा भी जब माल तैयार हो रहा था खेतों में, उस समय बारिश आ गई, तो ये धनिया की फसल है कि ऐसी फसल है कि थोड़ा सा भी इसमें नमी आती है और ये हल्का सा कलर चेंज कर लेता है, जब कलर चेंज होता है इसका तो फिर इसका भाव मिलता नहीं है, सुगंध वही रहती है, माल वही रहता है, लेकिन कलर का पैसा यहाँ किसानों को मिलता है, तो किसानों को फिर भी आपको फिर भी उचित भाव मिल जाता है यहाँ पे मंडी। आप इसको कोटा भी ले जा सकते थे या दूसरे स्थान पर भी ले सकते, मंडी ही क्यों ला, आपके दिल्ली में ही क्यों ला? भाव अच्छा मिलता है यहाँ, भाव अच्छा मिलता है सबसे बड़ी बात है, भाव लोगों को यहाँ अच्छा मिलता है, इसलिए किसान खुश होकर के कोटा या नीमच, मंदसौर या अन्य जहाँ भी मंडियाँ हैं वहाँ नहीं ले जाते हुए अपने माल को रामगंज मंडी ले आते हैं। तो चलते हैं और माल देखते हैं, मौसम बहुत जबरदस्त बिगड़ने वाला है, जल्दी से माल को इकट्ठा करना है इन लोगों को, तो हम इनका ध्यान बटाने के बजाय इनका काम करने देते हैं और चलते आगे। तो मैं इसमें अपने पापा के साथ आया था, इस पर रामगढ़ मंडी राजस्थान में,
राजस्थान में मैंने आके देखा यहाँ पे, पापा ने भी बताया, और इतनी बड़ी मंडी है जो ये कन्हैया की मंडी है, कन्हैया की मंडी के नाम से रामगंज मंडी फेमस है, जो ये कोटा के पास आता है राजस्थान में। तो ये मेरे पापा का चैनल है मालवा का मोती यूट्यूब चैनल, तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियोज़ को। डेट्स यूट्यूब चैनल मालवा का मोती। यहाँ पर मेरे पापा ने भी बताया कि ये इंडिया की सबसे बड़ी मंडी है जो धनिया के लिए फेमस है।